आज इस गंदे माशरे ने औरतों को स्टेज पे गाना गाने की इजाजत दे दी, जबकि मेरे रब ने औरतों को अजान और अकामत कहने से भी मना फरमा दिया ताकि उनकी आवाज की नरमी को महफूज किया जा सके। आज तुमने औरतों को अदाकारी करने की इजाजत दे दी, जबकि मेरे रब ने औरतों को बाजमात नमाज अदा करने से भी मना फरमाया। आज हमारे बेशर्म माशरे ने अपनी औरतों को ओलंपिक्स में दोहरा दिया, मेडल जीत लिए, लेकिन मेरे रब ने तो औरतों को सफा मरवा के दरमियान भी दौड़ने से मना कर दिया। आज तुम अपनी बीवियों को मेकअप करवा के कैमरे के आगे लेके आते हो, लोगों के सामने उनकी नमाइश करते हो, जबकि मेरे अल्लाह ने तो औरतों को पाजेब पहनने से भी मना फरमाया ताकि इस पाजेब की वजह से औरत के पुशीदा हुसन पे सवाल ना उठे। आज कुछ गंदे लोग औरत को आज़ादी नहीं दिलवाना चाहते बल्कि औरत तक पहुंचने की आज़ादी चाहते हैं। खुदारा हमारे दीनों इस्लाम ने जो असूल मुतारफ करवाए उन असूलों पे चलो, तुम उन असूलों को ब्रेक करके क्या हासिल कर लोगे? क्या आज अपनी बीवी को कैमरे पे दिखा के चंद डॉलर्स कमा के तुम सारी जिंदगी सुकून से गुजारोगे? क्या तुम्हारी औलादें तुम्हारी फरमा बरदार निकलेंगी? क्या तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा? क्या क्यामत वाले दिन तुम अपना चेहरा हमारे प्यारे नबी को दिखा पाओगे? ये सवाल मेरा तुमसे है।